हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग मैथ्स की क्लास में हैं और मैथ्स में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम के 50 घंटे। और अगर ये सीरीज आप पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग 90% मार्क्स श्योरली गेट कर लोगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं सारे के सारे अनसॉल्व्ड से हैं। और आज उस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स 5/2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक में साइन है दूसरे में टेन है तो बेहतर होगा कि अगर हम दोनों को एक में ही चेंज कर लें। अगर हम लोग साइन को टेन में चेंज कर लेते तो ज्यादा आसान होगा। अगर हम लोग टेन को साइन में चेंज करेंगे तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, परेशान करने वाला होता है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखो, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स 5/2। तो आप फॉर्मूला याद रख लिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसके फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ट्रिक्स मैंने बताई हुई है और जो 5 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जब कुछ क्लासेस की तरफ से, आप अगर उनको देख लेते हैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। चलिए तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने लिया, इसमें हम लोग सूत्र लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। ये फॉर्मूला होता क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू है यहाँ पे एक्स, एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू है एक्स यहाँ पे। और जिसकी फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो, मैंने बताया बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स में आप जाइए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। इक्वल्स हो जाएगा 5/2। टेन इनवर्स इधर है तो टेन इनवर्स को लेफ्ट से राइट पे भेज देंगे तो ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज रखते हैं। यहां से अगर हम लोग सॉल्विंग करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए हम इसको सॉल्व कतई नहीं करते हैं। ये हो जाएगा इतना जो वैल्यू नोट थी उसको हमने एज इट इज नोट कर दिया। इक्वल्स ये उधर हो जाएगा टेन 5/2। मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा कि अगर इधर टेन इनवर्स है तो राइट हैंड साइड पर जाने पर यह बन जाता है केवल टेन, टेन 90। टेन 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। अब आप सोच के देखो कि जीरो का मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में, तो ये तो हो जाएगा पूरा जीरो। आप लोग सोचने की कोशिश करिएगा, अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, मैंने इतना समझा दिया, आप एग्जाम में इतना कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ की लिख सकते हैं 1/0। अब आप सोचिए अगर जीरो को मल्टीप्लाई इससे करा दे तो हमें मिलेगा क्या, जीरो, और इसका मल्टीप्लाई उधर कराएंगे 1 से तो जो है वही मिल जाएगा हमें 1 माइनस एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जब हम लोग इसको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के √1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब हम लोग दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे तो जाके एक्स की पावर 4 और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ये है रूट, जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे रूट हटेगा नहीं। अब यहाँ पे हो गया एक्स की पावर 4 इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर बुला लेंगे तो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। अब हमें इसके स्टूडेंट्स करने हैं फैक्टर, अगर फैक्टर हमें करने हैं क्योंकि हमें इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि आखिरकार इसकी वैल्यू आएगी क्या, एक्स की वैल्यू। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को सिलेक्ट कर लें पी, क्या लेट करें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को पी। आप फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे जाइए कि आपको क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पी लेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी माइनस 1 इक्वल्स 0। अब हम लोग देखिए हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर अगर हम नॉर्मली करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से या बीच के पद के गुणनखंड करके तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लगा देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पी इक्वल्स क्या होता है, माइनस बी, और बी की वैल्यू है यहाँ पे 1, माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह हो गया माइनस 1 अपॉन में 2a, 2a, a की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 1, देखिए ये है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 1, इक्वल्स हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 4 अपॉन में हो गया 2। चलिए p इक्वल्स लेते हैं इसमें, तो माइनस 1 प्लस 4 1 हो जाएगा 5, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए p था क्या रियलिटी पे, p था अपने पास एक्स स्क्वायर, तो हम लोग p की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स, इसको सीधा करके लिख देंगे तो हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, x का जो स्क्वायर है अदर साइड पे जाएगा तो इसमें रूट बना देगा, तो x इक्वल्स हो जाएगा रूट रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, और यही हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, और ये आप बोर्ड पे देखिए, आपको क्लियर हो रहा होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कुछ तो टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे 5 मार्क्स क्वेश्चन टाइम ले ही, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी देखिए स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब है कि 2015 से 2019 के बीच में ये 5 या 6 टाइम्स कम से कम आया ही होगा, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आएगा नहीं कुछ यहाँ पे, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के है ही नहीं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = pi, हमें प्रूफ करके लाना x² + y² + z² + 2xyz = 1। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें cos में जो फॉर्मूला है वो हमें 2 का पता है, मतलब cos इनवर्स x + cos इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, लेकिन cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z 3 का फॉर्मूला पता नहीं है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, 2-2 को लेकर सॉल्व करेंगे, उसको समझने से पहले हम लोग एक बात देख लें। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता था पहले आइडेंटिटी, cos a plus b equals क्या होता था, cos a cos b minus sin a into sin b। ओके स्टूडेंट, तब आपको आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज हम लोग और समझ लें, जब हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम था कि sin इनवर्स x equals होता है cos इनवर्स रूट 1 minus x square होता है, है ना। अब अगर यहाँ पे इस चीज को समझे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर ये आइडेंटिटी होगी तो हम लोग इसको कैसे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले होता है cos a, क्या होता है स्टूडेंट्स cos a, cos a का मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, इंटू cos b, b की वैल्यू हो गई y, माइनस यही चीज हमें चाहिए a की वैल्यू चाहिए साइन के फॉर्म में, मतलब x की जो वैल्यू चाहिए हमें साइन के फॉर्म में चाहिए, और साइन के फॉर्म में चाहिए तो अगर इसको बदलना चाहे तो दूसरा होता तो हमारे पास cos इनवर्स x equals साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया है स्टूडेंट्स cos इनवर्स में, दिया है cos इनवर्स में, पूछ रहा है साइन इनवर्स में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे रूट b के लिए b की वैल्यू क्या रखिए वाई, तो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसी का यूज हम लोग इसमें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए दो टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिए और इसको अदर साइड भेज देते हैं, तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स इधर है लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा अपने पास एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया, अब इसको फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज किए दे रहे हैं, इक्वल्स cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब अगर ऐसे समझे तो cos 180 यहाँ पे होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में, और यहाँ पे मैंने बताया था cos थीटा निगेटिव होता है, तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, थीटा की वैल्यू है अपने पास cos इनवर्स z
इसमें क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स, देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस जेड, माइनस जेड को उठा लाएंगे साइड पे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स, और इस पार्ट को हम लोग भेज देंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी लगा दिया स्क्वायर हमने। देखिए अगर इसके स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी करेंगे तो एक्स वाई और जेड का मल्टीप्लाई कराने पर टू एक्स वाई जेड आ जाएगा इक्वल्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और बच जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। चलिए भाई थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे वर्क करते हैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे नोट कर लिया करिए तुरंत क्वेश्चन, क्योंकि देखने पर से मैथ नहीं आने वाली। तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल्स, इनका करा देंगे मल्टीप्लाई या गुणा, तो वन का वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन आ जाएगा, वन का माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने पर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बुला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये दोनों आ जाएंगे तो बच्चे हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस जेड स्क्वायर, और ये बचा अपने पास टू एक्स वाई जेड इक्वल हो गया वन, और स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो देखिए फाइव मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा एक दिमाग हमारा फिट रहता है फाइव मार्क्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा बहुत हार्ड होकर रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ आइडेंटिटीज का यूज होना है, जैसे मैंने एक सूत्र का इस्तेमाल अभी किया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें कि फॉर्मूले अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मेरे बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स के फाइव वीडियोज पड़े हुए, आप वहां पर जाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, तो आप लोग उनको जरूर देख लें। तो चलिए ये था आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर टू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, जो सीरीज का अगर नंबर इसमें देखें तो ये 15 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कॉस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, आप लोग बोर्ड पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, टू मार्क्स में आया क्वेश्चन, इसको हमें प्रूव करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एलएचएस इसका लेते हैं, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है देखिए, कॉस साइन इनवर्स एक्स इसका ये होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा लिखा होता था कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हम लोग इसको लिख देते थे कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वर्क वही करेंगे, ये यहाँ पे थीटा की जगह पे दिया हुआ है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अभी स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले एक जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो वहां पे क्लियरली बताया गया था कि अगर यहाँ पे साइन है तो साइन जो है साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी एक्स बचेगी, और अगर यहाँ पे कॉस है अंदर कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल कर देगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी केवल एक्स। इसी का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि देखिए अगर हमें यहां से साइन इनवर्स को हटाना है तो जाहिर सी बात यहाँ भी साइन बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन, अगर हम लोग यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो बनती है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ये लिखा हुआ है थीटा तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर और थीटा, थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स इतना लिख दिया भाई, इसके बाद क्या होगा भाई देखिए वन माइनस इसको लिख दिया हमने साइन, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, इसको ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर लगा दे क्योंकि देखिए जब होल स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉस पे लग गया था के, अब पहले से साइन के स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर हटा के बाहर लगा दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स एक्स बचेगा, एक्स में स्क्वायर जिसका मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स एलएचएस, अब बढ़ते हैं आरएचएस की तरफ। चलिए भाई अब आते हैं आरएचएस की तरफ, आरएचएस क्या लिखा हुआ है भाई अपने पास
यहां पे है साइन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आएगा क्या, देखिए यहां पे जो स्क्वायर था वो लग जाएगा साइन में, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। यहां पे भी वही काम करेंगे क्योंकि भाई देखिए साइन से कॉस तो कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू दे रखिए कॉस इनवर्स एक्स, हो जाएगा वन माइनस स्क्वायर को हम लोग लगा देंगे बाहर तो हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, कॉस से कॉस इनवर्स स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या अंदर केवल एक्स, बात समझिएगा थोड़ा सा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जिसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये वन माइनस एक्स स्क्वायर एल एच एस में भी आ गया और आर एच एस में भी आ गया, लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, इसलिए क्या हो गया प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने 5-5 मार्क्स टू क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स 12 मार्क्स क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए इक्वल्स कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए अब हमें लेफ्ट से राइट को प्रूव करना है तो आते हैं एल एच एस, हमने नोट किया एल एच एस में हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए लगाएंगे, जब हमें tan इनवर्स जाना है cos इनवर्स में तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब की बार हमारे पास x की जगह पे है रूट बी अपॉन ए, इसको लगाते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू है देखिए रूट बी अपॉन ए इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है रूट बी अपॉन ए, तो हमने यहां पे लिख दिया क्या रूट बी अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल्स हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा बी अपॉन ए, यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर यहाँ पे रूट को कैंसिल कर देगा तो बचेगा बी अपॉन ए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कॉस इनवर्स इसके एलसीएम लेंगे तो ए का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन ए का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन होल ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स इस पे इक्वल्स कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और यही है आर एच एस। स्टूडेंट्स देखिए क्लियरली 2 मार्क्स हम लोगों ने और गेट कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के ज्यादा समय बचे है नहीं इसमें, है ना, प्रैक्टिस आप लोग जबरदस्त करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 इक्वल्स, प्रूव करके हमें लाना क्या है स्टूडेंट्स पाई बाई 4, और ये क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का सीधा मतलब है कि ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लेते हैं 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 3, इसकी आइडेंटिटी होती है क्या 2 tan इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी tan इनवर्स में है इसलिए हम लोग इसको चेंज भी किसमें करेंगे tan इनवर्स में। लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमें जरूरत थी cos की, इसलिए हम लोगों यहाँ पे cos की जरूरत थी ना इसलिए हमने इसको cos में चेंज किया था, और जब हमें tan में चाहिए होता है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाते हैं x की वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन 3, अभी इसको एज इट इज चलने देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या tan इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे नोट कर देते हैं क्या tan इनवर्स 1 अपॉन 7, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन 3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 3 को होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 3 अपॉन
क्या हो जाएगा, 9 × 9, 9 × 7 = 8, 8/9। यह समझ सकते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 8, तो ऊपर हो गया 8, 8/9 प्लस ये हो जाएगा 10 inverse 1/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, यहां आ जाएगा 10 inverse 9 चला जाएगा 2 के साथ में, तो हो जाएगा 2 × 9/3 × 8 प्लस 10 inverse 1/7। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 2, 4 = 8, तो आ जाएगा हमारे पास 10 inverse 3/4 प्लस 10 inverse 1/7। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10 inverse x प्लस 10 inverse y, जो कि क्या होता है 10 inverse a + b या 10 inverse x + y / 1 − xy। ये हमने वैल्यू रख दी इनकी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 10 inverse हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लेंगे ऊपर तो हो जाएगा 28, एलसीएम लिए हम लोगों ने तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 28। अब 28 हो गया, देखो 4 × 7 = 28 और 7 × 3 = 21 या 4 × 7 = 28, 7 × 3 = 21 प्लस 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 × 1 = 3 और 7 × 4 = 28, 3 × 1 = 3 और 4 × 7 = 28 हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा क्या, 10 inverse 21 और 4 होता है 25, 21 और 4 होता है 25, अपॉन में हो जाएगा 28 होल अपॉन, देखिए 28 से 3 घट जाएगी, माइनस लगाना 28 से 3 क्या बचेगा 25, ये हो जाएगा 25/28, देखिए 25/28 से 25/28 कट जाएगा, आएगा क्या 10 inverse इसकी जगह पे 1। अब बताइए 10 inverse यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो आप सोचिए 10 यहाँ पे 1 10 में किसका मान होता है, किसकी वैल्यू होती है जिसकी वजह से ये 10 inverse कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता है कि 10 inverse 1 जो है वो 10π/4 की वैल्यू होती है, 10 45 10π/4 की वैल्यू होती है, 10 inverse से 10 कैंसिल हो जाएगा, आगे जाएगा स्टूडेंट्स π/4 और यही हो गया RHS, यही हमें प्रूफ करके लाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस किए। स्टूडेंट इसमें ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस ले लिए थे, यहाँ पे जैसे ये हो गया अपने पास 14 हो गया, 15 हो गया और थोड़ा 16 भी टाइम ले गया, तो उसकी वजह से इस वीडियो को हमें यहीं ड्रॉप करना पड़ रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हमें इंकरेजमेंट होगा और उतना ही बेहतरीन हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग याद रखिएगा इनकी प्रैक्टिस करके मिलेगा पार्ट 4 में, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर कर पाए, आप लोग सारी समस्याएं दूर हो सके। ओके।